जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, ये लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। और ऐसे घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पारिवारिक रूप में, सगे संबंधियों के साथ, सब चीज़ें इतनी बहुत, आज देश में समाज को इस विषय पर चर्चा करना चाहिए कि आज जिस तरीके की घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसका समाधान कैसे हो, इसका इस पर अंकुश कैसे लगे। ये कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। इससे भी हृदय विदारक घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके इसका प्रावधान करना चाहिए। ये तो महामहिम राज्यपाल महोदय बताएंगे। आज तो हमारा उम्मीद क्या, हम तो इंतजार में हैं। ये स्थिति तो उत्पन्न के विषय में मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से राजभवन ही बता पाएगा। Chief Minister Hemant Sorin, in fact, saying that such people, this is a horrific incident, and we will see that action is in fact taken soon. He also is going on to say that such people should never be forgiven and strict action should be taken, and provisions should be made to make the laws more stricter.